हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ न्यू के ड्रामा जिसका टाइटल होने वाला है द एटिपिकल फैमिली। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम मनह्यूम होता है और ये फ्यूचर देख सकती है, लेकिन अपनी इनसोम्निया की प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी एबिलिटी खो चुकी है। इसकी पूरी फैमिली के पास अलग अलग पावर्स होती है। फिर हम इसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम डोंगही होता है। मनह्यूम अपनी बेटी को उड़ने के लिए कह रही थी क्योंकि उसकी बेटी के पास उड़ने की एबिलिटी होती है, लेकिन मोटे होने की वजह से डोंगही उड़ नहीं पाती। यहाँ पर मनह्यूम का बेटा भी होता है जिसका नाम गुइजू है और ये इस ड्रामा का मेन लीड होता है। मनह्यूम अपने बेटे को पास्ट में जाने के लिए कहती है क्योंकि गुइजू के पास पास्ट में जाने की एबिलिटी होती है, लेकिन गुइजू बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और बहुत ड्रिंक कर रहा था। डिप्रेशन की वजह से वो अपनी पावर्स खो चुका होता है। यहाँ पर गुइजू का डैड सुनगु भी होता है। वो गुइजू को ड्रिंक ना करने के लिए कहता है, लेकिन गुइजू पर तो इसका कोई असर ही नहीं पड़ता। यहाँ पर गुइजू की बेटी आइना भी होती है। वो आइना को उसकी पावर्स यूज़ करने के लिए कहते हैं, लेकिन आइना तो फ़ोन में बिजी थी। मनह्यूम कहती है, मुझे तो लगता है कि हमारी फैमिली बर्बाद हो रही है। हमने जो भी खोया है हमें वो वापस से हासिल करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सबको समुद्र में डूब जाना चाहिए। मनह्यूम समुद्र में कूदने के लिए पानी की ओर भागती है, लेकिन वो देखती है कि नीचे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए वो नहीं कूदती और अपनी बेटी से कहती है कि मुझे हमारा अंधेरा फ्यूचर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर गुइजू नहीं होता। इन्हें लगता है कि वह पास्ट में चला गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पानी में कूद गया था और डूब रहा था। साथ ही वो एक पास्ट के सीन को याद करता है जब वो इसी बीच पर एक लड़की के साथ होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम डाहाई होता है, वो गुइजू को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। डाहाई इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है। वो गुइजू को बचाकर पानी से बाहर ले आती है और उसे CPR देती है, जिसकी वजह से वो होश में आ जाता है। गुइजू को डाहाई में वही लड़की दिखाई दे रही थी जिसके बारे में वो सोच रहा था। वो डाहाई को सियोन कहता है और उसे हग कर लेता है। तभी यहाँ पर गुइजू की फैमिली भी आ जाती है, लेकिन गुइजू बेहोश हो जाता है। उसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल लेकर आती है। मनह्यूम उसे कहती है कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। गुइजू कहते हैं कि मैं जानबूझकर पानी में नहीं कूदा, ये बस एक एक्सीडेंट था। अगले सीन में हम स्पा में कुछ लड़कियों को काम करते हुए देखते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक लेडी स्पा करवाने के लिए आने वाली है, लेकिन हम उसकी स्पा नहीं करेंगे, हमने सुना है कि वो सो नहीं पाती। तभी यहाँ पर डाहाई आती और कहती है कि मैं उस लेडी की स्पा करने के लिए रेडी हूँ। फिर वो उस लेडी की स्पा करने के लिए जाती है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मनह्यूम होती है। डाहाई अच्छे से उसे स्पा देती है और साथ ही पीने के लिए चाय भी, जिसकी वजह से वो इजली सो भी जाती है। उसके बाद मनह्यूम यहाँ की बॉस को कुछ पैसे देती और कहती है, जिसने मेरी स्पा की उसका क्या नाम है। तभी यहाँ पर डाहाई आती और कहती है कि मैंने ही आपको स्पा दी थी और मेरा नाम डाहाई है। तो मनह्यूम कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने मेरे बेटे को बचाया था। वो डाहाई को पैसे देने लगती है, पर डाहाई कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप बस मुझसे स्पा करवा लिया करो। मनह्यूम कहती है कि ठीक है, तुम मेरे घर आ जाना। इसके लिए डाहाई मान भी जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डाहाई मनह्यूम की मालिश करने के लिए उनके घर आ जाती है। यहाँ पर बहुत सी एक्सपेंसिव चीज़ें देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर मनह्यूम आती है। वहीं घर में हम गुइजू को देखते जो कि अपने रूम में होता है और उसका रूम पूरी तरह से बिखरा हुआ था। गुइजू अपने रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन मनह्यूम ने यहाँ एक नोटिस लगाया था कि रूम से बाहर मत आना क्योंकि यहाँ गेस्ट आने वाला है, लेकिन गुइजू इस पर ध्यान नहीं देता, रूम से बाहर आ जाता है। डाहाई मनह्यूम से कहते क्या आप चाय लोगे। मनह्यूम कहते हैं कि हाँ। तो डाहाई चाय बनाने के लिए उनके किचन में जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही गुइजू होता है जो कि ड्रिंक की बोतल को ओपन कर रहा था। डाहाई उसे देखते और कहते कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए। लेकिन गुइजू बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगता है। तो डाहाई कहते कि आपको ये बोतल यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जानी चाहिए, और वो जानबूझकर उस बोतल को नीचे गिरा देती है। फिर वो गुइजू से कहती है, मैंने कहा था ना कि इस बोतल को ऐसे छोड़कर मत जाओ, पर चलो कोई नहीं, मैं इसे साफ कर दूंगी। तभी यहाँ पर मनह्यूम आती और कहती है कि क्या हुआ। फिर वो गुइजू को यहाँ देखती और कहती है कि डाहाई है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो गुइजू कहते हैं, फिर तो ये यहाँ ज़रूर आपसे इनाम लेने आई होगी। वो डाहाई से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मेरी मोम तुम्हें इनाम दे देगी। ये बोलकर गुइजू यहाँ से चला जाता है। फिर डाहाई मनह्यूम के लिए चाय बनाती और साथ ही उसमें कुछ मिला भी देती है। फिर डाहाई मनह्यूम की मालिश करती और उसे पीने के लिए चाय देती है। मनह्यूम कहते हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है।
तो डाहाई कहती है कि मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। साथ ही वो ये भी बताती है कि पहले मेरी 2 बार शादी हो चुकी है, जो कि हम देखते भी हैं। डाहाई के पहले हस्बैंड ने उसे चीट किया था और दूसरा हस्बैंड उसे मारता था, इसलिए डाहाई ने उन्हें छोड़ दिया। ये सुनकर मन्यूम कहती है कि मेरा बेटा ग्विजू भी ऐसा ही है, उसकी वाइफ सियोन की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तब से मेरा बेटा डिप्रेशन में है। कुछ टाइम के बाद घर पर सुनगुन आता है और कहता है कि डाहाई कहाँ है, मैं उसके लिए कुछ बनाने के लिए लाया हूँ। तो मन्यूम कहती है कि डाहाई जा चुकी है क्योंकि उसे स्पा में कुछ काम था। फिर हम डाहाई को देखते हैं वो एक जगह पर आती है, यहाँ पर उसकी मोम भी होती है जिसका नाम इलहोंग होता है। फिर डाहाई अपनी मोम को खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मोम कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, तुम खुद ही बना लो। तो डाहाई खुद ही खाना बनाने लगती है, पर गैस को ऑन करते समय वो काफ़ी डर रही थी क्योंकि उसे आग से डर लगता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम मन्यूम को सुनगू के साथ देखते हैं। मन्यूम कहती है कि डाहाई भी हमारे बेटे की तरह बिल्कुल अकेली है। और फिर सुनगू नोटिस करते हैं कि मन्यूम सो चुकी है। कुछ देर बाद जब मन्यूम उठती है तो सुनगू कहते हैं कि बहुत टाइम बाद मैंने तुम्हें सोते हुए देखा है, ये कैसे हो गया? तो मन्यूम कहती है कि ये शायद डाहाई की वजह से हुआ है। फिर मन्यूम कहती है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें डाहाई हमारी फैमिली की रिंग पहन रही थी, मुझे लगता है कि वो हमारी फैमिली में आकर हमारी सेवियर बन सकती है और हमारी पावर्स वापस लाने में हेल्प भी कर सकती है, मुझे लगता है कि हमें उसे इनवाइट करना चाहिए। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ग्विजू की जिम में आती है और ग्विजू को डॉक्यूमेंट देती है। तो ग्विजू से कहता है कि कल से तुम यहाँ आ सकती हो। तभी यहाँ पर डोंगी आती है और उस लड़की से कहती है कि मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट देखना चाहती हूँ। ये लड़की कहती है कि तुम कौन हो? तो डोंगी कहती है कि मैं इस बिल्डिंग की ओनर बनने वाली हूँ। फिर ये लड़की उसे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है, हाँ तुम्हारा तो यूट्यूब चैनल भी है। वो डोंगी का मजाक उड़ाने लगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर ग्विजू आता है तो डोंगी कहती है कि ये चिप्स का पैकेट बस लास्ट है, इसके बाद मैं डाइटिंग करूँगी और फिर जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी और उसके बाद ये बिल्डिंग मेरी होगी। डोंगी ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि शादी होने के बाद जो डोंगी के बच्चे होंगे उनके पास पावर्स होगी और उसके बदले में डोंगी को इनाम दिया जाएगा। फिर हम मन्यूम और सुनगू को देखते जो कि किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर ग्विजू आता और कहता है कि आप क्या कर रहे हो? तो मन्यूम कहते हैं कि आज आइना का बर्थडे है, हम उसी की तैयारियां कर रही हैं। फिर यहाँ पर डोंगी भी आ जाती है और वो मन्यूम से सेवियर के बारे में पूछती है तो मन्यूम उसे चुप करवाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर डाहाई भी आती है। डोंगी डाहाई से कहती है कि मेरे भाई को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, वैसे क्या तुम उसे शादी करने वाली हो? इस पर सुनगू उसे चुप करवा देता है। फिर ये सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। डाहाई मन्यूम से कहती है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि आप मेरी और ग्विजू की सेटिंग करवा सको, लेकिन ग्विजू कहते हैं कि ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। मेरी पहले शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है, तुम मेरी बेटी के क्लोज नहीं आ सकती और ना ही तुम मुझे डिसिप्लिन सिखा सकती हो। उसके बाद सुनगू आइना को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन आइना नीचे नहीं आती। मन्यूम ग्विजू से बात करने के लिए उसे साइड में ले जाती है। डाहाई डोंगी से कहती है, आप खाना क्यों नहीं खा रही? तो डोंगी कहती है कि मैं डाइटिंग पर हूँ, काश मैं पहले की तरह उठ पाती। तो डाहाई कहती है कि आप पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी? ये सुनकर डोंगी स्माइल करती है। फिर वो डाहाई से कहती है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? तो डाहाई उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है। वहीं मन्यूम ग्विजू को कहती है कि तुम्हें बाहर इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो ग्विजू कहते हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, आप यहाँ किसी और लेडी को कैसे बुला सकती हो? क्या आपने आइना के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? मन्यूम कहते हैं कि आइना के बारे में तो तुमने नहीं सोचा, इसलिए तुम सुसाइड करने वाले थे, लेकिन ग्विजू कहते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था। मन्यूम कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम सियोन से शादी नहीं करते तो उसकी डेथ भी नहीं होती। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर तुमने उससे शादी की तो उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद आइना नीचे आती है और केक की कैंडल्स बुझाकर फिर से अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद आइना ग्विजू को बाहर जाते हुए देख रही थी और बाहर बारिश हो रही थी। तभी मन्यूम भी बाहर आती है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। सभी मन्यूम को संभालने लगते हैं। तभी यहाँ पर डाहाई भी आती है और कहती है कि इसे क्या हुआ? तो सुनको कहते हैं कि अच्छे से सो नहीं पा रही, शायद इसी वजह से ये बेहोश हो गई है, हम इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, अंदर गैस ऑन है, तुम उसे बंद कर देना। डाहाई कहती है कि ठीक है। फिर डाहाई अंदर गैस बंद करने के लिए आती है,
लेकिन आग को देखकर वो काफी डर जाती है और गैस बंद नहीं कर पाती। तब यहाँ पर आईना आती है और गैस को बंद करती है। डाहाय उसे थैंक्स बोलती है। आईना कहती है, तो तुम अब इसमें क्या मिलाने वाली थी? और हमें दिखाया जाता है कि जब डाहाय मनहुम की चाय में कुछ मिला रही थी तो आईना ने उसे देख लिया था। डाहाय कहती है, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो तुम मैंने चाय को टेस्टी बनाने के लिए डाला था। फिर हम ग्विजू को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के मेमोरियल प्लेस पर आया हुआ था। यहाँ पर सियोन के पेरेंट्स भी होते हैं, लेकिन ग्विजू को देखकर सियोन के डैड को अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ से चला जाता है। फिर सियोन की मॉम ग्विजू से पूछती है कि तुम कैसे हो, तो ग्विजू कहते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ आईना को लेकर नहीं आ पाया। तो उसकी मदर इन लॉ कहती कि तुम्हारा, सियोन का और आईना का साथ में एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन तुम्हें खरोच भी नहीं आई और सियोन ने मुझे बताया था कि तुम्हारे पास पावर्स हैं, क्या ये बात सच है? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सियोन इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डाहाय को किचन में देखते हैं जो कि कुछ बना रही थी। तभी यहाँ पर आईना आती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो डाहाय कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम इसे खा लो। आईना मना करती है और कहती है कि पता नहीं तुमने इसमें क्या मिलाया होगा। उसके बाद आईना यहीं पर बैठकर गेम खेलने लगती है। डाहाय उस खाने को टेस्ट करती है और कहती है कि तो बहुत ही टेस्टी है, तुम्हें भी इसे खाना चाहिए। तो आईना भी उसे टेस्ट करती है। फिर वो डाहाय से कहती है कि तुम्हें मेरी फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना तुम भी बर्बाद हो सकती हो। उसके बाद आईना डाहाय को अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताती है कि मनहुम के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, लेकिन इन सोमनिया की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती। डोंगी के पास उड़ने की एबिलिटी है, लेकिन मोटे होने की वजह से वो अपनी इस एबिलिटी को खो चुकी है। मेरे डैड ग्विजू के पास पास्ट में जाने की एबिलिटी है, लेकिन सिर्फ उसी पास्ट में जहाँ हैप्पी मोमेंट्स हो, पर डिप्रेशन की वजह से वो अब ऐसा भी नहीं कर पाते। थोड़ी देर बाद यहाँ पर ग्विजू आता है। वो डाहाय को देखते और कहते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? डाहाय कहते कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम पास्ट में जाना चाहते हो पर जा नहीं पा रही, लेकिन सच तो ये है कि तुम अभी भी पास्ट में ही जी रहे हो। ग्विजू से पूछते है कि तुमसे ये सब किसने कहा? तो डाहाय कहती है कि मुझे ये सब आईना ने बताया है। ग्विजू कहते कि मेरी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और तब से मैं अकेला हूँ। डाहाय कहती है कि आईना के लिए तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ग्विजू कहते कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे भी किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। डाहाय कहती है कि ऐसा नहीं है, मैंने एक बार देखा था कि तुम किसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन बीच पर हुआ क्या था। ग्विजू देखता है कि एक लड़की की डॉल पानी में गिर जाती है और वो डॉल के लिए रो रही थी। ग्विजू उसके डॉल लेने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन तभी वो डूबने लगता है। डाहाय इस चीज को नोटिस करती है और वो ग्विजू को बचाकर बाहर ले आती है। प्रेजेंट में डाहाय कहती है कि पहले मैं भी मरने वाली थी, लेकिन किसी ने मुझे बचाया था और उसने मुझे जीने के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद डाहाय अपने घर आ जाती है। यहाँ पर उसकी बहन भी होती है जिसका नाम ग्रेस होता है। साथ ही यहाँ पर डाहाय का अंकल ह्योंगताए भी होता है। ये सब साथ बैठकर बात करते हैं। पहले ये डाहाय के डाइवोर्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से डाहाय ने अपने पति से छुटकारा पाया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डाहाय के पति के साथ जो लड़की होती है वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेस है। ऐसा इन्होंने जानबूझकर किया था ताकि इनके पास कोई एविडेंस हो और डाहाय अपने पति से डाइवोर्स ले सके। और जब डाहाय के दूसरे पति ने उस पर बोतल फेंक के मारी थी तो डाहाय उस बोतल से बच जाती है, लेकिन फिर वो खुद ही अपने सर पर वो बोतल मार लेती है। और इन सब चीज़ों के कारण डाहाय कोर्ट में केस जीत भी जाती है और उसे डाइवोर्स मिल जाता है। उसके बाद डाहाय अपनी फैमिली को ग्विजू की फैमिली के बारे में बताती है कि उनके पास सुपर पावर्स हैं। फिर वो कहती है कि मुझे आईना को मनाना होगा ताकि वो मेरी साइड हो जाए और मैं ग्विजू से शादी कर सकूं। अगले सीन में हम ग्विजू को देखते हैं, वो आईना के पास आता है और उसे एक डॉल देकर बर्थडे विश करता है। फिर ग्विजू यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि आईना के पास बहुत सारी डॉल्स होती है। उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब आईना छोटी होती है और वो अपने डैड और मॉम के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। आईना ग्विजू से कहती है कि डैड, आप तो किसी को बचाने के लिए जा रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ कौन बचाएगा? तो ग्विजू से एक डॉल देता और कहता है कि तुम्हें ये डॉल बचाएगी। फिर ग्विजू यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि वो पास्ट में चला जाता है। फिर सियोन आईना को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है।
कुछ टाइम बाद ग्विजू वापस गाड़ी में आता है, लेकिन वो देखता है कि सियोन मर चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।